पृष्ठ संख्या 56, पाठ 10, विषय हिंदी, छल का फल। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे बच्चों। रात्रि के समय दो युवक उस साधु के पास आकर बोले, महाराज हमें नगर जाना था लेकिन रात्रि होने के कारण नगर के द्वार बंद हो चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रुक जाएं, सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों बच्चों को सोने के लिए स्थान दे दिया। एक युवक बोला, भगवान हमें बड़ी भूख लगी है, यदि खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। जो वो दो बच्चे थे, युवक थे, उन्होंने बोला, भगवान हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, यदि खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। साधु बोला, बच्चों उपकार मेरा नहीं बल्कि उस माता का होगा जिसने मुझे ये लड्डू दिए हैं, तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो। दोनों युवक एक एक लड्डू खाकर सो गए। सुबह होने पर साधु ने उन्हें एक जगाया, परंतु वे तो दोनों मर चुके थे। साधु ने नगर के द्वारपाल को सूचित किया। राजा ने आकर साधु से दोनों युवकों की मौत के विषय में पूछताछ की। साधु ने निर्भीकता पूर्वक सारी घटना विस्तार से बता दी। जो क्या कहते हैं, साधु ने जो जो हुआ था, जैसे जैसे हुआ था, साधु ने सारी जो घटनाएं हैं, जो वहां के क्या कहते हैं राजा थे, उनको सारी घटना बता दी। विष के बने लड्डू देने वाली बुढ़िया को बुलाया गया, जिसने वो जहर, जो दुष्ट बुढ़िया थी उसको बुलाया गया, जिसने साधु को विष के जहर के लड्डू दिए थे उसको बुलाया गया। राजा ने सारी घटना बुढ़िया को बताई। जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे तो वह चिल्लाकर रोने लगी। वे दोनों युवक उसी बुढ़िया के ही बेटे थे। बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि वे लड्डू तो उसने साधु को मारने के लिए बनाए थे। बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्यु दंड की मांग की। राजा बोला, तुम्हारा न्याय व उचित दंड का निर्णय स्वयं साधु महाराज करेंगे। साधु ने कहा, हे माई, तूने तो छल किया था, उसका फल तो मुझे मिल ही चुका है, मेरी ओर से तो मुक्त है। बुढ़िया अपने भूल के लिए जीवन भर तड़पती रही। तो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमें ऐसा मतलब छल नहीं करना चाहिए। छल का फल हमें, देखिए अपने पाठ के अंतर्गत पढ़ के देख लिया कि छल का फल कैसा था। हम धोखे में, वो किसी के भी, हमारे किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हम सोचते किसी और के लिए, बट वो हो किसी के साथ सकता है। तो हमें किसी से भी छल नहीं करना चाहिए। हमें जीवन में ये बातें याद रखनी चाहिए, हमें किसी से भी छल नहीं करना चाहिए। छल करना बुरी बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को स्टूडेंट्स इस वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन के पुश करना है।